नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार, सबसे पहले सुर्खियां। COVID-19 के खिलाफ पीएम मोदी की मां ने भी पीएम केयर्स में दिया 25,000 रुपए का आर्थिक योगदान। ग्रामीण बेरोजगारों को राहत देगी मनरेगा की संशोधित मजदूरी, 20 रुपए की समान वृद्धि के फैसले के साथ 1 अप्रैल से होगी लागू। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 1400, महाराष्ट्र में पाए गए सबसे ज्यादा मामले। कृषि मंत्रालय ने खेती के लिए छोटे कर्ज पर ब्याज सहायता 31 मार्च तक बढ़ाई। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने निजामुद्दीन मामले पर कड़ा रुख दिखाते हुए मौलाना पर FIR दर्ज करने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को COVID-19 के खिलाफ पीएम मोदी की मां ने पीएम केयर्स में 25,000 रुपए का आर्थिक योगदान दिया है। रोहित शर्मा ने 80 लाख और लता मंगेशकर ने 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी। इसके साथ ही जिंदल स्टील एंड पावर ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दिए। इससे पहले सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां अक्षय कुमार, सलमान खान, अनुष्का शर्मा, विकी कौशल और खेल जगत से पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, मौजूदा कप्तान विराट कोहली, सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे चुके हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन में परेशान रहे ग्रामीण मजदूरों को राहत देने के लिए मनरेगा को और कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। COVID-19 की वजह से चौतरफा बंदी से प्रभावित मनरेगा की मजदूरी में इस बार समान वृद्धि की घोषणा की गई है, जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगी। मजदूरी में 20 रुपए की एक समान वृद्धि का फैसला कर दिया है। मजदूरी दर में वृद्धि का यह फैसला कल यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों के साथ गरीब परिवार के लोगों को केंद्र में रखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1400 पर पहुंच गई है। COVID-19 महामारी से अब तक देश भर में जहां 32 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 140 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल 1251 मामलों में से 1117 केस एक्टिव हैं। कोरोना वायरस से पीड़ितों में 49 विदेशी भी हैं। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे ज़्यादा यानी 248 मामले सामने आए हैं, वहीं केरल में पॉजिटिव केसों की संख्या 234 हो गई है। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कृषि मंत्रालय ने फैसला लिया है कि किसानों को खेती के लिए 7% की रियायती दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक फसल ऋण की सुविधा जारी करी। सरकार ने ऐसे कर्जों पर अपनी ओर से ब्याज सहायता 31 मई तक जारी रखने का फैसला किया है और इसके चलते समय से कर्ज चुकाने वालों को यह कर्ज 4% की ब्याज पर पड़ेगा। कृषि मंत्रालय ने कहा कि बैंकों द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए तक के खेती के ऐसे ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें भुगतान समय 1 मार्च से 31 मार्च के बीच पड़ रहा है। दिल्ली में पहली बार एक ही दिन में 24 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी निजामुद्दीन में हुई जमात का हिस्सा थे। दिल्ली सरकार ने भी कड़ा रुख इख्तियार करते हुए मौलाना पर FIR दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 1033 लोगों को निकाला गया है। उनमें से 334 को अस्पताल भेजा गया है और 700 को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। कोरोना के एक ही दिन में 200 नए मामले सामने आए हैं, आने के बाद हर कोई चिंता में। दिल्ली के निजामुद्दीन में 18 मार्च को भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान से आए 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये सभी लोग फंस गए और बाहर नहीं जा सके। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।